देख लो केमिस्ट्री में टॉपिक स्टार्ट होनी है। विलयन की सुंदरता ज्ञात करनी जो विद्या थी ना, विलयन की सुंदरता ज्ञात करनी जो विद्या थी, वे हुई पूरी तरह समाप्त। विलयन की सुंदरता ज्ञात करनी विद्या क्या हुई? समाप्त। ओम पता क्या पढ़ने वाले? अब हम पढ़ने वाले कि प्रसरण किसे कहते हैं, प्रसरण किसे कहते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे विसरण किसे कहते हैं, विसरण। तो पहले तो हम पढ़ते हैं प्रसरण किसे कहते हैं। अब प्रसरण के दौरान पेपर में पक्का था कुछ ना कुछ लिखने को, आया समझ लो। तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम विलयन, मेरे हिसाब से पहले चैप्टर हो। अब तक हम पहले चैप्टर ही पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, अब तक हम पहले चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। इसमें पहली हेडिंग पढ़ने वाले हैं कि प्रसरण किसे कहते हैं, समझ में आया? प्रसरण किसे कहते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे विसरण क्या हो, दोनों दोनों घटनाएं। और घटना नहीं समझना बहुत आसान, दिमाग छक जाएगा। प्रसरण एक बार पढ़ेंगे फिर विसरण, ये दोनों पढ़ लेंगे ना पेपर पता क्या बोल, प्रसरण और विसरण में अंतर पेपर में, प्रसरण और विसरण में अंतर। तो पहले प्रसरण समझो किसे कहते हैं साफ साफ अच्छे तरीके से, फिर समझो विसरण किसे कहते हैं, फिर दोनों समझो प्रसरण और विसरण में दोनों अंतर क्या होता। यहां तक आज हम पढ़ने वाले हैं, समझ में आया? हेडिंग बना लो प्रसरण केमिस्ट्री, प्रसरण क्या बोलते हैं इंग्लिश में सर? इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। ठीक, तो कुछ है तो कोई तुमसे पूछो प्रसरण हो क्या है, तो तुम पता क्या बताओगे? तो प्रसरण एक प्रकार की क्रिया हो, और कैसी क्रिया हो, और डायग्राम के जरिए समझते हैं। ठीक, एक बर्तन ले लो, मान लो बर्तन भरा हुआ, इस बर्तन के अंदर हमने जल भर दिया, क्या भर दिया? बर्तन के अंदर जल भर दिया, भर दिया। अब बर्तन के अंदर तुमने जल भर दिया, ध्यान तो सुनना चाहिए, प्रसरण कैसे कहते हैं। और उसके अंदर ना तुमने चने देखे, चने भी डाल कर रख दो, और जैसे इतने सारे चने डालोगे ना, इतने सारे फूल को इतने सारे हो जाए, देखा कभी गिलास पूरा भर जा, जो भी बर्तन तुम फ्रीज वगैरह में रखते होंगे, ठीक, तो गिलास पूरा भरा मिलेगा तुम अगले दिन सुबह, होता नहीं ऐसा? सोचा कभी ऐसा क्यों? प्रसरण की क्रिया के कारण। तो प्रसरण एक क्रिया, जल के अणु ना चने के अणुओं के अंदर प्रवेश कर चुके, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा, एक झिल्ली हो चने के ऊपर, एक झिल्ली हो, झिल्ली मेम्ब्रेन जिसे बोल लो, वो झिल्ली बकरे के पांव देखे, बकरे के पांव जब उन्हें उबालते हैं ना, उबालते हैं बकरे के जो पैर नहीं होते क्या, वे खा जाते हैं, बहुत मजबूत मान लगा उनके बहुत अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन हो, समझ, उससे ज्यादा प्रोटीन कहीं नहीं होता। उसके बाद अंडे देखिए, अंडे ये छिलके हो ना, उसके ऊपर एक झिल्ली हो, उसे भी हम अर्धपारगम्य झिल्ली बोल रहे, वो अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली हो उसमें तो केवल विलायक यानी जल के अणु ही प्रवेश कर सके, और कुछ प्रवेश नहीं कर सकता। आया, चिन्नी के अणु उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, केवल जल के अणु इसके अंदर प्रवेश कर सके, तो ऐसी झिल्ली को हम अर्धपारगम्य झिल्ली बोल रहे। ठीक, तो अर्धपारगम्य झिल्ली बोल लो, तो इस क्रिया को बोल लो प्रसरण, प्रसरण। ठीक, तो प्रसरण एक प्रकार की क्रिया हो, और ऐसी क्रिया हो जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जो अणु वो जल विलायक के अणु हो ना, जल के अणु वे दूसरे पदार्थ पर प्रवेश कर जाते हैं, ऐसी क्रिया को ना हम प्रसरण कहते हैं, प्रसरण। तो पहली बात, अगर तुमसे कोई पूछे कि प्रसरण कैसे कहते हैं, भाई जो चने का फूल ना ये प्रसरण का कारण है, भाई जो अंडे फूल रहे ना ये प्रसरण का कारण है, बारहवीं क्लास में तुम फेल हो गए, नहर में कूद गए ना, 3 दिन बाद मोहम्मदपुर जेल में मिलोगे, इतने मोटे मिलोगे फूल कर, आज प्रसरण की क्रिया के कारण, इसके कारण प्रसरण की ऐसे थे ना तुम, ऐसे हो जाओगे, किसके कारण? प्रसरण की क्रिया करण। तो प्रसरण की क्रिया में ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अगर प्रसरण की क्रिया को अच्छी तरह समझना ना, इसे समझने के बारे में यहाँ साइड में अर्धपारगम्य झिल्ली बताता हूँ, जिसे कहते हैं। तो कुछ दिन से पूछे अर्धपारगम्य झिल्ली क्या हो, तो सबसे इससे पहले एडिंग हमारी यही होगी, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो यह एक ऐसी झिल्ली हो
इस मंत्र ने केवल विलायक की अनुभूति कर सकता। विलायक किसके? विलायक का मतलब जल के अणु। क्या कर सकते हैं? गति, अनुगति कर सकते हैं। अब बताओ प्याज, देखिए प्याज, प्याज के ऊपर आराम आराम से जैसे तुम उसका एक छिलका उतारोगे फिर दूसरा जाएगा, दूसरा उतारोगे तीसरा जाएगा, ऐसी झिल्ली की तो बोलना हम अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। आज मैं चने नहीं होते, चने मटर के दाने नहीं होते, उनके ऊपर एक झिल्ली हो, मटर के दाने फूल नहीं जाते पानी में डालने के बाद। आज समझ बात, किशमिश मनोखे नहीं रखे थे ना, किशमिश मनोखे, उनके ऊपर एक झिल्ली नहीं होती, वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली हो, अर्धपारगम्य झिल्ली हो, तो फिर तुमके बीच अर्धपारगम्य झिल्ली क्या हो? ऐसी झिल्ली हो जिसके अंदर से केवल विलायक के अणु क्या कर सकते हो? गति कर सकते हो। ऐसी झिल्ली को क्या कहते हैं? बता अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? बैठे बैठे बताओ, मजा नहीं है। यह एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें केवल विलायक के अणु गति कर सकते हैं, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। बोल, केवल विलायक के ऐसी झिल्ली, जैसे बकरे का अमाशय, बकरे के अमाशय की झिल्ली लिख देगा। बकरे का अमाशय पता क्या हो? कालिजा, कालिजा बोल रहा अमाशय, वहां एक झिल्ली पाई जाए, उसे भी ये बोल रहा। अंडे ने देखा अंडा, उसके ऊपर जो छिलका हो वो झिल्ली कौन सी हो? अर्धपारगम्य झिल्ली। चने ने देखे, चने के ऊपर जो झिल्ली होगी कौन सी होगी? अर्धपारगम्य झिल्ली। कितने उदाहरण दूं? आज अब तुम, मैं एक उदाहरण बताऊं तुम्हारे दिमाग में तीन खुद ही आ गए होंगे, इतना तो मुझे विश्वास है, लेकिन तुम यहां बता नहीं सकते मुझे, समझ में आया? तो अर्धपारगम्य झिल्ली पता लगे कौन सी हो, तो अर्धपारगम्य, जो अर्धपारगम्य झिल्ली हो ना, इसमें तो केवल विलायक की अनुगति कर सको, ठीक? किसके? अब यहां बीच में लगाई हमने अर्धपारगम्य झिल्ली, इसका नाम सेमी पर मेम्ब्रेशन, एसपीएम बोलते हैं, सेमी पर मेम्ब्रेशन अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी पर मेम्ब्रेशन अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी। मान लो बेटा इधर भरा हुआ हमारा जल, जल मतलब विलायक, भरा हुआ विलायक। अब जो इसके अणु है इधर से जाकर इधर हुए चने, ये डाल लो इधर चने, छोटे छोटे चने डाल ले तुमने डाल दे, और जैसे ही इसमें ना यहाँ पानी नहीं आता, अभी अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली मैंने कहा इसके ऊपर जो छिलके हैं पानी गया इधर, जल के अंदर इधर प्रवेश कर गए, ये चने फूल फूल के ना इतने बड़े बड़े होंगे। इतना बताओ समझ में आया नहीं है? कौन सी क्रिया के कारण? प्रसरण की क्रिया के कारण। तो इसका मतलब हम कहते हैं जब इधर जल है ना अधिक मात्रा में, इधर मान लो जल कम मात्रा में, जब विलायक के अणु, अब बताओ जब विलायक के अणु, इन्हें बोलेंगे विलायक, क्या बोलेंगे? विलायक। अब विलायक के अणु की सांद्रता, हाँ यहाँ जलीय जल है बिल्कुल, और यहाँ जल है बहुत कम मात्रा में, मान लो विलायक जल के अणु में विलायक के अणु, विलायक के अणु की सांद्रता, सांद्रता सांद्रता बोलेंगे यहाँ ज्यादा अणु विलायक के सांद्रता अधिक, यहां कम। मैंने कहा जब विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, जब विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, जब विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी यहां जल की मात्रा ज्यादा यहां कम, मान लो जब है नहीं कुछ है, अगर यहां है नहीं तो इधर जल की मात्रा ज्यादा, तो इसे कहेंगे जल की सांद्रता ज्यादा है, जल के अणुओं की सांद्रता यहां ज्यादा, तो जब जल के अणु की सांद्रता ज्यादा है, तो जब विलायक के अणु, विलायक मतलब क्या, जल, जब जल के अणु एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यहां अधिक सांद्रता क्या है? अधिक सांद्रता किसकी? जल के अणु की। यहां कम सांद्रता, जब विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, यह क्रिया प्रसरण कहलाती है, लेकिन किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। तो ये बात यार, तो कोई तुमसे पूछने लगा कि प्रसरण किसे कहते हैं? प्रसरण एक प्रकार की ऐसी क्रिया होती है इसमें विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गति करते हैं, उस इस क्रिया को प्रसरण कहते हैं। एक ऐसी क्रिया, बोलो देखो मेरे साथ, एक ऐसी जिसमें विलायक के अणु अधिक सांद्रता से
कौन सा नेता की ओर? अर्ध पारगम्य में झिल्ली के द्वारा, इसको मत भूलना, किसके द्वारा? अर्ध पारगम्य में झिल्ली के द्वारा गति करते हैं किसके अणु? क्या करते हैं? किसके द्वारा? किधर से किधर? किसके अणु? कहां से कहां? किसके द्वारा? यह क्रिया क्या कहलाती है? उदाहरण क्या है? चनों का फूलना। समझ में आया बात? कोई प्रॉब्लम? लिखना चाहते हो? हरी मनो प्रश्न मनो हरी प्रश्न मनो हरी प्रश्न लिखो। एक ऐसी क्रिया, रुक जाओ मित्रों, सबसे पहले वाला डायग्राम बनाओ, इसमें मुझे नाम लिखे साफ साफ कर लिखे, ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला डायग्राम। कैसे तुझे ये बताएं? आधे तो और जगह नहीं सुनते हूँ, तुम्हें भी देखते हैं वाले। हाँ और देखते हैं वाले। ठीक, भैया बोर तो नहीं हो रहे आप? तो यहाँ कोई नाचने वाला गाने नहीं? पढ़ाई तो पढ़ाई होगी यार, इसे तो भी यार। दीपचंद मजा आएगी नहीं यार? फीलिंग आ रही? लग रहा पास हो जाएगा? फर्स्ट आ गई शाबाश। पहले चुना मिले तन्हा ही क्यों रहे हूँ, मिल दिल क्या हो? लिख देना नाटक। अब लिखो, प्रसरण एक ऐसी क्रिया है, इसमें लिखो प्रसरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें, प्रसरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें विलायक के अणु, जिसमें विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, विलायक के अणु अधिक सांद्रता से, जिसमें विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, जिसमें विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। ब्राइट में लिखो अर्धपारगम्य में झिल्ली के द्वारा विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। ब्राइट में लिखो अर्धपारगम्य में झिल्ली के द्वारा। लिख दिया? नई लाइन से लिखो, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। इसमें लिखो नई लाइन से, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। लिख दिया? कोई प्रॉब्लम? नीचे जो एग्जाम दूसरा, ये पहला पॉइंट मान लो, इसके अंदर जो प्रसरण था ना, ये अब तो दोनों जितना लिखा है इसके अंदर पहला पॉइंट, जैसे उसमें प्रसरण की क्रिया बनाई है उसके अंदर समझो पहला पॉइंट था, अब इसके अंदर दूसरा पॉइंट प्रसरण के अंदर। अब एक बात बताओ, ये प्रसरण की क्रिया, हेलो ये प्रसरण की क्रिया, इसके अंदर प्रसरण की क्रिया के अंतर्गत केवल विलायक के अणु गति कर सकते हैं, विलेय के अणु नहीं। विलेय का मतलब जो कम मात्रा में उपस्थित हो,
चने इधर कभी नहीं आ सकते, आए समझ में? समझ में? तुम इसके अंदर विलायक के यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली प्रसरण की क्रिया है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा केवल विलायक के अनुगति कर सकते हैं, विलय के नहीं। एक पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में लिखो, प्रसरण की क्रिया में, प्रसरण की क्रिया में केवल केवल विलायक के अनुगति कर सकते हैं, विलय के नहीं। प्रसरण की क्रिया में केवल विलायक के अनुगति कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, विलय के नहीं। प्रसरण की क्रिया में केवल विलायक की अनुगति कर सकते हैं, विलय के नहीं। थर्ड पॉइंट बनाइए, उसके अंदर अंतर्गत लिखिए, प्रसरण की क्रिया के उदाहरण, प्रसरण की क्रिया के उदाहरण, प्रसरण की क्रिया के उदाहरण लिख लिया ना छात्र, तो प्रसरण की क्रिया के उदाहरण के अंतर्गत लिखिए, नंबर एक चने का फूलना, कोमा चने का फूलना, कोमा किशमिश मनोखे, किशमिश वगैरह क्या बोल रहे हैं ना, किशमिश वगैरह बोल रहे, कोमा मटर का फूलना, मटर के दानों का फूलना, अभी वाला मत लिख देना कि हम नहर में कूद गए, 12th क्लास में मर गए। किशमिश मनोके का फूलना, मटर के दानों का फूलना, ठीक है? कोई दिक्कत? तो मेरा मानना तो ये भी है कि मना और पारगम्य झिल्ली भी एक नोट करके लिख लेना चाहिए कि आप काम कब भूलना है ना, तो एक हेडिंग बनाओ नीचे नोट, NOT नोट, नोट बनाओ नीचे इस तरह नोट, नोट तो बहुत प्यारा हूँ, इसमें लिखो और पारगम्य झिल्ली हेडिंग बनाओ, इसमें इसमें लिखो और पारगम्य झिल्ली हेडिंग बनाओ, इसमें और पारगम्य झिल्ली, और पारगम्य झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसमें लिखो, यह एक ऐसी झिल्ली होती है, यह एक ऐसी झिल्ली होती है, यह एक ऐसी झिल्ली होती है, यह एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से केवल विलायक की अनुगति कर सकते हैं, विलय के नहीं। यह एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से केवल विलायक के अनुगति कर सकते हैं, विलय के नहीं। जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली CuFeCn6 कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, जैसे CuFeCn6 की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, जैसे CuFeCn6 कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, कोमा बकरे के अमाशय की झिल्ली, बकरे के अमाशय की झिल्ली, बकरे के अमाशय की झिल्ली, सही है? डैश डैश करके ETC और भी हो सकती है,
डैश डैश करके ईटीसी और भी हो सकती है, सही है। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? हेलो, प्रसन्न के बारे में। प्रसन्न के बारे में जो भी मैंने लिखा है ना, इस सारे पॉइंट दोहरा लो, एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ो क्या लिखा प्रसन्न के बारे में, पढ़ो। देखो कितना आसान, प्रसन्न कुछ नहीं है, क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें केवल विलायक की अनुभूति कर सकते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ऐसी क्रिया को हम प्रसन्न कहते हैं। इसमें अपारगम्य झिल्ली के द्वारा का होना नहीं मारी, ये बात पक्की। और इसमें प्रासनिक क्रिया में केवल दूसरे पॉइंट पर लिखा है कि केवल विलायक की अनुभूति कर सकते हैं, विलय कभी नहीं कर सकते। और तीसरे पॉइंट में बताया गया इसको उदाहरण क्या क्या, ये तो बताया गया, यानी इसका मतलब प्रसन्न के बारे में कितनी बातें पता, तीन। पहला पॉइंट तो जो परिभाषा लिखवा, दूसरे वाले बताइए कि इसमें विलायक की अनुभूति कर सकते हैं, और तीसरे वाले बता। अब चौथे नंबर पर हम बता क्या पढ़ने वाले, ये प्रसन्न का तो हुआ सुहाहा, अब हम पढ़ने वाले विसरण किसे कहते हैं, विसरण, विसरण। और जब विसरण पढ़ लोगे ना, फिर पढ़ेंगे दोनों का अंतर क्या है, समझ में आई बात है। तो विसरण की भी क्रिया हो, पहले समझ लो विसरण की क्रिया हो क्या, ठीक है। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, मान लो ना कितने लोग पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, हाथ खड़ा करो, पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, पूजा नहीं करते तुम, करनी चाहिए बेवकूफ, तुम पूजा करते हो, करते हो, कौन से भगवान की पूजा करते हो, भगवान की भी तो बहुत टाइप है, कौन से भोले की पूजा करते हो, कितनी देर पूजा करते हो, पूजा करते हो कौन से भगवान की, गोरखनाथ की, पूजा पाठ में विश्वास रखते हो, मंदिर में जाते कभी, मतलब मस्जिद वगैरह जाते हो, तुम विश्वास करते हो भगवान में, कभी जाते नहीं कहीं, जेल में नहीं जाते, कावड़े का टाइम वगैरह कभी कोई मतलब नहीं किसी से, बड़े नास्तिक इंसान, पूजा पाठ करते हो कभी, कौन से वाले भगवान, एक विशेष तौर पर जो मान्यता हो घर में जैसे सबसे ज्यादा पूजा, शंकर भगवान, उमेखेड़े महाराज, सब बात सही, आप कौन से भगवान, भोलेनाथ की, घर में सब नहीं मानते जाते, आप भोलेनाथ, शंकर भगवान, शंकर भगवान हो, झूठ बोल रहे आप, आदि अच्छी बात। अब जितने पूजा पाठ करने वाले ये भी बता दो मुझे, मैं बकवास नहीं छेड़ रहा, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ भाई, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री में यूज करूंगा ये बात को, कितने लोग जो अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं, धूपबत्ती का प्रयोग करते हो, हाथ खड़ा हो, जो अगरबत्ती धूपबत्ती वाले, अगरबत्ती या धूपबत्ती इस्तेमाल करिए, अगरबत्ती धूपबत्ती, जिसने अगरबत्ती धूपबत्ती से प्रयोग करे ना कभी, ये देखी भी हो, उससे अगले वाली जो प्रक्रिया ना तुरंत समझ में आने वाली, बहुत अच्छी समझ में आने वाली।
और यहाँ बोर्ड में जो समझाया ना तो समझ लो उसकी विस्तरण समझ में आ चुका। ठीक, आ जाओ। एक लाइन में समझा जाएगा विस्तरण किसे कहते हैं, और तुम कभी भी बता दो जिंदगी में विस्तरण नहीं भूलेंगे। और विस्तरण को इसमें कहते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। हेलो बारिश, देखो सोच रहे होंगे बच्चे सर पता नहीं क्या बन क्या ड्रामाबाजी करते रहते हैं, तो पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं, क्यों परेशान करते हो बच्चों को। जो बोर्ड को अणु बनाए गए ना, ये अणु मॉलिक्यूल है, ये अणु ठोस के भी हो सके, वो पदार्थ ठोस भी हो सके जिसके अणु होंगे, वो पदार्थ द्रव भी हो सके, वो पदार्थ गैस भी हो सके। ये ठोस द्रव या गैस के क्या अणु, ठोस द्रव या गैस के अणु। अब जो अगरबत्ती हो वो तो गैस के रूप में दिखाई दे, अगरबत्ती यहां अगर अगरबत्ती यहां लाना तुम ना तो सुगंध वहां तक जाएगी, पड़ोस वाले खतरे बढ़ जाते हैं इनके यहाँ, हवन चल रहा सना वगैरह पक्का रखा कोई बाहर खतरे पहुंच जाते। ठीक, क्योंकि उन्हें सुगंध आ जा ना, हवन हवन करवा रहे ओपरा पड़ोस वाले को सुगंध आ जा, कोई बैठा नहीं यहाँ मारता है महात्मा कोई। तो गैस के अणु होने होते हुए किसके अणु, गैस के, गैस के अणु हो तो जरूरी है गैस के अणु। अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल लेके अच्छा समझा जाता था, जब कभी ठोस द्रव या गैस के अणु अधिक सांद्रता से अधिक सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, यहां तो उनकी सांद्रता ज्यादा क्योंकि हम धूपबत्ती जलाई अगरबत्ती जला रखी यहां, ये उसके अणु हो सके ठोस द्रव गैस के अणु हो सके। ये हमारे पड़ोसी यहां से कौन पड़ोसी, इन्हें सुगंध आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो अंदर झांकने का पता क्या कहते हैं पड़ोसी, प्रसाद दे दिए क्या मांगते हैं, झूठ बोलते हैं, देखने आए थे अंदर कौन है ऐसा नहीं है, प्रसाद का तो बहाना हो। लेकिन उन्हें पता कैसे पता लगा, विसरण की क्रिया के कारण। अगर ये विसरण की क्रिया ना होती ना तो उन्हें कभी ना पता लगता कि तुम्हारे घर अंदर कौन बैठा हुआ, अभी यहां हमारे भी हो रहा है विसरण, विसरण। और विसरण को बोलते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। ठोस के द्रव हो सका द्रव के या गैस के अणु, जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यहां तो नहीं है ना उसके अणु पड़ोसी के यहां बढ़ रहे, अगरबत्ती जल रही यहां तो उसकी मात्रा बहुत कम ना के बराबर है, और धीरे धीरे इसके अणु ना ये उठ के चलना स्टार्ट कर देंगे, कुछ अणु नीचे रह जाएंगे कुछ यहां तक जाएंगे कुछ यहां तक जाएंगे, अरे पड़ोसी के नाक में उठ जाएगा ऐसे। ठीक है, पक्का कुछ हो रहा नहीं है यहां से। तो बताओ ठोस या द्रव या गैस के अणु जब अधिक सांद्रता से कहां से अधिक सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, क्या करते हैं गति करते हैं, कौन करते हैं अणु किसके ठोस द्रव या गैस के, ऐसी क्रिया को बोलते हैं विसरण। अब बताओ बीच में कहीं अर्थपारगम्य झिल्ली लगी हुई, लगी हुई इसका मतलब इसमें अर्थपारगम्य झिल्ली और कोई काम नहीं होता, पहली खास बात। पहली बात तो यह है एक ऐसी क्रिया इसमें ठोस द्रव या गैस तीनों की अनुगति कर सकते हैं, एक ऐसी क्रिया जिसमें ठोस द्रव या गैस के अणुओं की अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, ऐसी क्रिया को डिफ्यूजन विसरण कहते हैं, पड़ोसी खतरे में आ जाती है। ऐसे समझ में आया कोई प्रॉब्लम, एक ऐसी क्रिया जिसमें ठोस द्रव गैस के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, ऐसी क्रिया को विसरण कहते हैं। कोई प्रॉब्लम, जैसे अगरबत्ती की सुगंध, ये लिखना एग्जांपल, अगरबत्ती की सुगंध, धूपबत्ती रहेगी कितने का, 5 रुपए का मंगल, 10 का हो गया मेरे टाइम पर 5 रुपए, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं किसके अणु ठोस द्रव या गैस के, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं गति करते हैं, खतरे में कौन मोड़ जाते हैं कि पक्का कुछ हो रहा है। तो बताओ यहां अगर तुम ऐसा करोगे, ओम जय जगदीश हरे,
यहां करोगे तो पड़ोस वाले आराम से पहुंच जाएगा, पक्का कुछ है, हो जाएगी बात है, हो नहीं सकता ऐसा, हवन भी हो जाए कि मंदिर तुम जाओगे वहां भी इस तरह की सुगंध दिखाई देगी, इस तरह की सुगंध इसलिए आती है क्योंकि वहां विश्रण की क्रिया होती है, आए समझ में ठीक, और अच्छा मानना जाए, और ये भी मानना जाए विश्रण की क्रिया के द्वारा जहाँ होना अगरबंदी अगरबत्ती वाली सुगंध हो वहां भूत प्रेत का सहायक होना, ठीक, जादू भी शक्ति वहां कम काम करती है, वहां भूत प्रेत आते नहीं सच में, इसलिए अगरबत्ती जला कर रखे करो जहां तक भी उसकी सुगंध आ गई ना, सुना हो तुम, हाँ भागी आती गई तो संतान घाट में जागी जागी सब कुछ जाना कुछ नहीं है, मैच खेल रहा हूँ संतान घाट में, समझ में आया कोई प्रॉब्लम है यहां तक, क्या तुम्हें सुन इस क्रिया के अंदर कहीं अर्धपारगम में झिल्ली दिखाई दे रही, तो दूसरा पॉइंट मिला इसमें अर्धपारगम में झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है, बोलो स्वाहा, कितने पॉइंट हो गए, उदाहरण पता लग गए, अगरबत्ती की सुगंध प्रसन्न क्या जानते चने का फूलना, बात समझ में कोई प्रॉब्लम, लिखना चाहते हो लिख लो, हेडिंग बनाओ विश्रण, हेडिंग बनाओ विश्रण डिफ्यूजन डी आई एफ यू एस आई ओ एन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन लिखो, यह एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें ठोस द्रव्य गैस कोमल अवयव, ठोस कोमल द्रव कोमल गैस, ठोस कोमल द्रव या गैस जिसमें ठोस कोमल द्रव या गैस के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, यह क्रिया विश्रण कहलाती है, यह क्रिया विश्रण कहलाती है, विश्रण ब्रैकेट में डिफ्यूजन, विश्रण के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डिफ्यूजन, यह क्रिया विश्रण कहलाती है, ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी देख लिया कोई प्रॉब्लम कहलाती है, ये जो ना विश्रण के अंदर पहला पॉइंट था, विश्रण के अंदर दूसरा पॉइंट लिखो, ये पहला पॉइंट था विश्रण के अंदर, दूसरा पॉइंट देखो, इसमें इस क्रिया में अर्धपारगम में झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है, इस क्रिया में अर्धपारगम में झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कितने पॉइंट हुए, मजा आ रहा नहीं यार, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं, थर्ड नंबर पे इसके उदाहरण अगरबत्ती की सुगंध कोमा और बताओ, बगीचे की खुशबू, बगीचा नहीं होता क्या,
डैश 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 ईटीसी एज वेल आदि। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? अब मुझे एक बार बता दो बस, तुम प्रसन्न के बारे में कितनी बातें बता दो, तीन प्रसन्न के बारे में देख लो कि पन्ना खोल लो, कितनी बातें बता पक्की बात है, और विसरण के बारे में कितनी बातें बता। एक क्वेश्चन है तुमसे, क्या तुम प्रसन्न विसरण मंत्र लिख दोगे? तीन बातें इधर लिख दो, तीन बातें इधर लिख दो, एक तरफ हरि गुण लो प्रसन्न, एक तरफ विसरण, तीनों बातें इधर लिख दो, तीनों बातें इधर लिख दो, अंतर खत्म, अंतर खत्म। ऐसा सवाल पेपर में आया हुआ, अगला क्वेश्चन लिखो, घर से लिख के ले जाना है। क्वेश्चन लिखो प्रसन्न और विसरण में अंतर लिखिए, क्वेश्चन लिखो प्रसन्न, क्वेश्चन प्रसन्न और विसरण में अंतर लिखो, लिख दोगे ना? पक्की बात है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्या लिखोगे तुम अभी लिख के दिखाओ। एक तरफ हेडिंग बनाओ प्रसरण, एक तरफ बनाओ विसरण, तीन पॉइंट इधर लगाओ, तीन पॉइंट इधर लगाओ, डिवीजन भेज लगाओ, प्रसरण और विसरण में अंतर लिखिए। तीन नंबर में आया क्वेश्चन, एक तरफ क्या प्रसरण, एक तरफ क्या विश्रण, इधर पहला पॉइंट, इधर इसका पहला पॉइंट विश्रण का, इधर इसका दूसरा पॉइंट जो लिख रहा, इधर इसका तीसरा दूसरा पॉइंट, इधर इसका तीसरा पॉइंट, इधर इसका तीसरा पॉइंट, और लिख डालो और बात कर दो उसको लिख के। लिखो फास्ट, लिखो देखो तो लिखना यार, प्रसरण के तीन पॉइंट लिख दो इधर, विसरण के तीन पॉइंट इधर लिख दो, कितना आसान। लिख दिया केमिस्ट्री में हम आज इतने लगते हैं, ठीक लिखो, इसके बाद की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे।